हाय एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज फैशन आज की वीडियो में मैं साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक वर्सेस मीशो मैंने कुछ प्रोडक्ट मीशो से उठाए कुछ प्रोडक्ट जो तो, ऑर्गेनिक से उठाए बिल्कुल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्रोडक्ट मैं ऑर्गेनिक पे देख रही थी वो सिमिलर पिक्चर मीशो पे थी तो आई थॉट की ये अगर सिमिलर पिक्चर लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट भी सेम आता है कि नहीं है तो so, ये ट्राई करने के लिए मैंने सेम प्रोडक्ट हीशो से ऑर्डर किया एंड सेम प्रोडक्ट औरबेनिक से ऑर्डर किया सो इनके प्राइस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट क्वालिटी एंड लुकिंग में क्या डिफरेंस आता है सो लेट गेट स्टार्ट इट से पहले सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नेवी ब्लू कलर की बॉडी कॉन ड्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई हुई थी औरबेनिक पे इस बहुत सारे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूबर्स इन्फ्लुन्सर ने लगाई थी वो ड्रेस सो वो ड्रेस मेरे पास थी तो मैंने एक्चुअली वो सेम ड्रेस मीशो से मंगवाई एंड अब सिमिलर काइंड ऑफ पिचन मीशो पे था तो मैंने वो ड्रेस मीशो से ऑर्डर करी एंड मुझे अर्बेनिक की जैसे कि मैंने बोला कि वो ड्रेस मेरे पास थी एंड मीशो से मैंने ऑर्डर करी तो जो इमेज थी उससे तो टोटली डिफरेंट जो है मुझे रिसीव हुई है सो so वो थी बॉडी कोन ड्रेस इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी मैंने ये ऑर्डर करी थी एंड ये मुझे मिली है फुल स्लीव्स की एंड विथ बटन डिटेलिंग एंड लाइक राउंड मैक एंड ये लाइक कुर्ते ही का जितना मैंने तो ना उतनी बिल्कुल छोटी सी ड्रेस ही मुझे रिसीव हुई है थाइस से मतलब नीच से बहुत ऊपर एकदम थाइस तक आ है सो लुकिंग इसकी अच्छी है बट जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन करूँगी वैसे मैं स्क्रीन के साथ में आपको ड्रेस का लुक एंड प्राइस मैंशन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा बट जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था वो टोटली totally डिफरेंट मुझे मिला है मैं आपको बोलना चाह रही हूँ एंड ये ड्रेस मुझे रिसीव हुई है व्यू वाले की क्वालिटी को लेके तो मीशो ने मुझे पूरा ही डिसअपॉइंट कर दिया है अब आर्बैनिक वाले की देख लेते हैं तो ये है आर्बेनिक वाले की ड्रेस और ये जैसे मुझे पिक्चर में दिखाई हुई थी ना विथ स्वीट हार्ट नेक और वेलवेट मटीरियल एवरी थिंग मुझे सिमिलर रिसीव हुई है तो जैसा इमेज में था वैसा ही रिसीव हुआ है बट मीशो वाले का मतलब पूरा ही डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो गया था सो so, फोर नाइनटी रुपीज़ का और ये मुझे अप्रॉक्स एट सिक्सटी रुपीज़ के आसपास पड़ी है स्क्रीन शॉट साइड में मैंशन में कर दूँगी सो क्वालिटी बहुत अच्छी है ड्रेस काफ़ी अच्छी है परफेक्ट बॉडी कॉन् ड्रेस है मटेरियल वगैरह एवरी थिंग अच्छा है सो so, इस बात में अर्बैनिक काफ़ी अच्छा वर्क किया है सो so, मीशो पर कभी कभी ना सेलर चेंज होते हैं या रेटिंग अच्छी नहीं होती प्रोडक्ट की तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है सो so, ये वाला तो ऑर्गेनिक का मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं दोनों ही प्रोडक्ट का आपको ट्राई ऑन शेयर करती हूँ तो आप देख के बताना मुझे कि आप किस कौन सा परचेस करोगे मुझे तो डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है बट फिर भी आपको ट्राई ऑन में शेयर कर दूँ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने लिया है टॉप जो कि है इस टाइप से टसल्स uh, के साथ में आता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो लेसेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड दिस टॉप इज फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इसका प्राइस मुझे वन थाउजेंड और एट हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली कुछ पड़ा है एंड ये आता है परफी स्लीव इलास्टिक स्लीवस के साथ में एंड यहाँ पे भी इलास्टिक अच्छा खासा दिया हुआ है एंड ये लेसेस दी गई जिससे इसको एडजस्ट करके अपना बर्स साइज को एक अच्छा सा शेप दे सकते हो बर्स के यहाँ से आप एक अच्छा सा शेप दे सकते हो स्लीवस काफी अच्छी है जो टॉप है उसका मटेरियल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है पॉलिस्टर मटेरियल एंड लुकिंग वगैरह एवरी बहुत ही अच्छी है एंड सबसे अच्छी बात इसी का ही ड्यूप टॉप जो है मुझे मीशो पे मिल गया वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लाइक थ्री की बिलो रेंज में मुझे ये टॉप मिल गया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है नो no डाउट जो अर्बेनिक वाले का मटेरियल है वो पॉलिस्टर है एंड इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट फैब्रिक का है बट लुकिंग पूरी ही तरीके से इसने अरबैनिक वाले की दी है एंड अगर जॉर्जेट मटेरियल की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है समर के लिए परफेक्ट है सो so ये मुझे बहुत ही बजट रेंज का टॉप लगा यू कैन सी द परफे स्लीवस इलास्टिक जो बिल्कुल ही अर्बेनिक वाले में दी गई थी बिल्कुल डिटो कॉपी किया हुआ है ये एंड यहाँ पर जो बस बस साइज़ की यहाँ पे भी दी दिए जैसे आप एडजस्ट करके अपने शेप को अच्छे मतलब बस साइज़ की यहाँ से अच्छे से शेप दे सकते हो मतलब टिटो कॉपी हम बोलेंगे क्योंकि जो मटेरियल है अर्बैनिक वाले का वो पॉलिएस्टर है एंड जो मीशो वाले का है वो आ, जॉर्जेट uh, है एंड रही बात कलर की तो ऑब्वियसली मुझे ये जो ग्रीन कलर था ना वो मीशो पे मुझे नहीं मिल रहा था मुझे रेड कलर मिला सो so मैंने यही कलर पिक किया कि ये जो ड्यूब टॉप है वो मुझे मीशो पे मिल गया वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टू uh, हंड्रेड सेवेंटी नाइन अप्रॉक्सीमेटली ये पड़ा है और ये मुझे पड़ा है एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड की रेंज में सो so काफ़ी ज़्यादा तो एक्सपेंसिव लगा है आप कौन सा परचेस करोगे दोनों में से डू लेट वन इन द कॉमन सेक्शन आई विल गो फॉर मीशो बिकॉज इसकी क्वालिटी भी कुछ कम नहीं है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं से तीन बार कोई टॉप पहनते उसके लिए परफेक्ट है यार कैजुअल आउटिंग के लिए जाओ बहुत ही परफेक्ट एंड लाइट वेट है समर के लिए परफेक्ट है मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने लिया है अरबेनिक से और ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे एंड दिस इज़ फ्रॉम अर्बैनिक एंड ये क्रूशिया फैब्रिक का टॉप है और यहाँ पे जो इसका मटीरियल है स्लीवस पे वो वो मटेरियल का दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही है मैंने वाइट कलर में पिक किया है अरबैनिक पर आपको इसके ब्लैक कलर ब्राउन कलर वो भी देखने को मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी बट थिंग इज़ दैट कि मुझे इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लगा लाइक एट हंड्रेड की रेंज में था और शायद कभी कभी विदाउट कूपन कोड ये उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना है एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा लगा है कलर ऑप्शन बहुत अच्छी है इसमें आपको मिल जाएंगे अरबेनिक पे सो इसी का ही ड्यूब टॉप जो है मुझे मिला है मीशो पे ये रहा मीशो वाला टॉप अगर इसके स्लीव्स की बात करूँ तो जो मटीरियल है वो डिटो अर्बेनिक की तरह ही सेम है बिल्कुल जॉर्ज मटीरियल का फैब्रिक दिया हुआ है इसके स्लीव्स में यहाँ पे क्रूशिया दिया हुआ है एंड बैक साइड में यहाँ पे इलास्टिक साइड दिया हुआ है सो so, इसका मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये भी थ्री हंड्रेड के इंच में टॉप है अगर इन दोनों ही टॉप को कंपैरिजन किया जाए कंपेयर किया जाए तो जो अर्बेनिक वाला टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा है एंड इस टॉप में ना बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों में ही क्रूशिया दिया हुआ है जबकि मीशो वाले टॉप में फ्रंट में क्रूशिया दिया है एंड बैक साइड में कोई क्रूशिया नहीं दिया हुआ है सिर्फ नॉर्मल कपड़ा अटैच करके दिया हुआ है so, सो अगर दोनों का हो दोनों को कंपेयर किया जाए तो मीशो वाला डिटो कॉपी किया हुआ है अर्बैनिक का एंड अर्बैनिक वाला टॉप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बट प्राइस बहुत ज्यादा लगा एंड मीशो वाले का प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल एंड फ्रंट खुशे दिया हुआ है so, सो आप कौन सा बाय करोगे दोनों में से डू लाइक इन द होम सेक्शन आप कौन से बजट रेंज के साथ में जाओगे ये ये वाले लोग या ये वाला परचेज करोगे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर थोड़े टाइम के लिए पहनना चाहते हो तो आप मीशो वाला परचेस कर सकते हो गोइंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एक बैकलेस ड्रेस वैसे ये ड्रेस आपको ट्राइवन uh, में एंड साइड इमेज लगाने पर आपको दिखाई सही से समझ में आएगी अभी इस टाइप से आपको ठीक से समझ नहीं आएगी बिकॉज मुझे खुद को कन्फ्यूज़न हो रहा है इसको कैसे पकड़ूँ यस yes, तो इसको इस टाइप से पकड़ रखा है मैंने एंड इसका जो मटेरियल है वो है पॉलिएस्टर एंड ये पूरी ही बैकलेस ड्रेस है परफेक्ट फॉर बीच एरिया लुक परफेक्ट फॉर समर अगर आप समर में वेकेशन प्लान कर रहे हो स्पेशली बीच एरिया के तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस काइंड ऑफ ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी मटेरियल पॉलिएस्टर है इसका एंड जो प्रिंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है परफेक्ट बीच एरिया की वाइप्स एरी है सो विद वोवो बैग एंड एक हैड के साथ में अपने लुक को कंपीट कर सकते हो रही बात इसके प्राइस की तो वन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली कुछ प्राइज है इसका यूजिंग कूपन कोड जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा एंड सबसे अच्छी बात इसी का ही ड्यूब प्रोडक्ट मुझे मीशो में मिली है वो भी फोर हंड्रेड की रेंज में इसी का ही ड्यूब प्रोडक्ट मैंने मीशो पर देखा है जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी की तरह दिखता है एंड ये आप देख सकते हो बिल्कुल वी नेक है थोड़ा सा एंड ये भी बैकलेस ड्रेस है जो लेसेस का पैटर्न है वो भी लगभग लगभग सिमिलर है एंड इसका जो मटीरियर वो पॉलिस्टर नहीं होगी इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन मटेरियल का है बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्रिंट इसमें दी हुई है काफी ज्यादा सही लगा है मुझे ये आ, काफी ज्यादा सही लगी मुझे ये ड्रेस एंड इसका जो प्राइस है फोर हंड्रेड है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बजट रेंज की लगी है गाइस बिकॉज मैं अगर कहीं बीच एरिया के लिए जा रही हूँ मुझे इस टाइप की बैकलेस ड्रेस चाहिए तो ऑब्वियसली बात मैं एक ही बार पहनूंगी बिकॉज एक ही पिक्चर को बार बार क्लिक करवाना मुझे पसंद नहीं हुई भी एक ही ड्रेस में सो so, मैं तो ये वाली ड्रेस परचेस करूँगी एंड परफेक्ट फॉर समर बीच एरिया वेकेशन लुक आई विल गो फॉर दिस ड्रेस आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी आप ये जरूर परचेस करें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है प्योर कॉटन है ये प्योर कॉटन है अरबैनिक वाले का जो पटीरियल वो फॉलियस्टर है क्वालिटी दोनों की ही बहुत ही अच्छी है ये पूरा ड्यूप है इसका बट आई विल गो फॉर मीशो मुझे बहुत अच्छी ड्रेस लगी लास्ट बट नॉर्थ द लीस्ट ये वाली ड्रेस मैंने अरबेनिक से परचेज करी है सिकाइस so, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे अर्बेनिक पर एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस ड्रेस को लेकर तो आपको इसका ट्राइवन देख के समझ आएगा सो so, ये वाली ड्रेस है ना मुझे सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ की पड़ी है एंड ये जब फर्स्ट टाइम मुझे डिलीवर हुई थी ना तो इसका जो बस साइज था मुझे परफेक्टली फिट नहीं हुआ था एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी थी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बस शो कर रही थी सो so, ये वाली जो ड्रेस है मुझे सिक्सटीन हंड्रेड की पड़ी एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ही इधर सिक्कि पसंद आ रही है इसी का ड्यू मुझे मीशो पे से मन जाएगा तो इसी का ही ड्यू फोर इन मीशो पर गया वो भी बजट रेंज में गए इसमें मैंने मीशो से परचेस करी है एंड इस ड्रेस के साथ में जो मुझे बर्थ इशू आ रहा था कि बहुत ज़्यादा सी थ्रू रहा था वो भी इस ड्रेस पे नहीं हुआ है एंड इसमें भी साइड स्लिट दिया हुआ है बहुत ही अच्छा ताजा एंड इसका प्राइस जस्ट सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये ड्रेस मुझे मीशो में मिल गई बिकॉज मुझे इस टाइप की स्क्रिप्ट काइंड ऑफ ड्रेस चाहिए थी एंड अल्बेनिक्रिप्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा सी थ्रो हो रहा था ये सिमिलर ड्यू पूछे मीशो में वो भी बहुत ही आधे के आधे प्राइस में तो मैं बहुत ही लगभग खुश हो गई थिंक मैं इस ड्रेस को पहले पहन के देखूंगी अगर बहुत ज़्यादा बस् सीरियस सी थ्रू नहीं हुआ तो मैं इसका ट्राई ऑन शेयर करूंगी अदरवाइज मैं मीशो वाले का ट्राई ऑन तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी सो so ये सिक्सटीन हंड्रेड नॉट वर्थ बिकॉज दोनों की क्वालिटी जो है ना फेब्रिक की वो दोनों की सेम है ये भी पॉलिस्टर मटीरियल है ये भी पॉलिस्टर मटेरियल है दोनों में जो डिफरेंस है ना एना वो ये है कि इसकी जो स्ट्रिप है ना वो बहुत पतली पतली दी हुई इसमें थोड़ी सी मोटी स्ट्रिप आपको मिलेगी बाकी कलर वगैरह एवरीथिंग सेम है आई होप मैं आप लोगों के साथ ऑन शेयर कर पाऊँ अगर बहुत ज्यादा थ्रू नहीं हुआ तो एंड दूसरा डिफरेंस ये कि इसमें जो है ना ये वो बी कट आउट यहाँ से कट कटआउट के साथ एंड निशो वाले में कोई साइड कटआउट नहीं दिया हुआ है मतलब कि ये जो साइड कटआउट है वो इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है कि आपको तो पहनने में शर्म आए सो मुझे अपने अकॉर्डिंग ड्रेस परफेक्ट लगी वो ड्रेस में एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं सो होप पुलिस दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मेहनत लगती है किसी सिमिलर प्रोडक्ट को अदर वेबसाइट पे उसका ड्यू ढूंढना प्लीज प्यार दीजिए सपोर्ट कीजिए सो मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज पर